Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. Guys, reading को start करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो guys please subscribe my channel. Guys, एक general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो सकता है ना हो, तो आप इस reading को positive way में लीजिएगा. जितना आपसे resonate हो से रखिए, बाकी को ignore कीजिए. और गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी. और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो वो रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी. गाइज ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है. ओके, सो गाइज आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसका जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपके लव लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है. ओके, आपकी लव लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है. स्टार, टेम्परेंस, आपकी लव लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है. एम्प्रेस, वाओ. डेथ, मून, हाई प्रीस्टेस, यूनियन. ये तो यूनियन है भाई, लवर्स एंड एम्परर, क्या बात है. एम्प्रेस एंड एम्परर, लवर्स. तो यहां पर क्या नजर आ रहा है गाइस, देखिए सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप में से काफी सारे लोग जो भी अभी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आप में बहुत सारे लोग गाइस, यूनिवर्स अगर आप तक आप लोगों को मेरी रीडिंग तक लेकर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप में से बहुत सारे लोग एक डिवाइन कनेक्शन के साथ ही डील कर रहे हैं या किसी सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, टेम्परेंस का कार्ड है. ठीक है, तो यहां पर स्ट्रांगली मुझे एक एनर्जी जो फील हो रही है गाइस कि इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा सेपरेशन पीरियड चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, और डेथ की एनर्जी दिखा रही है कि 2022 में उस सेपरेशन का अंत हो रहा है परमानेंटली. 2023 में मुझे इस कनेक्शन में यूनियन नजर आ रहा है, मतलब कि जो नया साल है वो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए और हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में जो है उन लोगों के लिए रियूनियन लेकर आ रहा है. जो भी आप लोगों की विशेष है, स्टार दिखा रहे हैं, पूरी होंगी. बिकॉज ये जो सेपरेशन पीरियड आपका चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, उसमें मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं गाइस कि आप लोगों ने अपने ऊपर इतना इनर वर्क कर लिया है, आप लोग इतने बैलेंस्ड हो गए हो क्योंकि आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में हैं. ठीक है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, दोनों ही काउंटर पार्ट अपनी फुल पावर में हैं, अपने फुल ट्रू सेल्फ में हैं और अपने लाइफ पर्पस को भी हो सकता है आप लोगों ने फाइंड कर लिया हो क्या करने के लिए आप लोग आए हैं. मुझे आप दोनों ही ना बहुत स्ट्रांग पावर में नजर आते हैं और ये पावर कपल की एनर्जी है स्ट्रांगली. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था इस कनेक्शन में बहुत लंबे टाइम से. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर. ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का एंड हो रहा है यहाँ पर और जो भी आपकी विशेष हैं वो पूरी हो रही हैं. ये स्ट्रांगली आप लोगों के कनेक्शन में मुझे टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है गाइस. यहाँ पर शिव शक्ति निकल कर आए हैं जो कि मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, जो दिखा रहे हैं कि हर चीज बैलेंस हो रही है यहाँ पे. ऑल्सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो लवर्स कार्ड दिखा रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग कनेक्शन हो गया, ये आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए हो और समझ गए हो कि ये कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता है और आप दोनों ने ही अपने हर एक इशू पर काम किया है, चाहे वो फियर का हो, चाहे वो इनसिक्योरिटी का हो, चाहे वो आपके पोजेसिव होते थे उस चीज का हो, या फिर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना हो, अपनी चलाना हो, हर एक चीज पर आप लोगों ने अपना काम किया है और यही इसी चीज के लिए यूनिवर्स ने आपको ये समय दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सेपरेशन का. तो मुझे लगता है फुल पावर में है कुछ लोग यहाँ पर और जो पावर में है उनका यूनियन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है. ठीक है, स्ट्रांगली मुझे उनका यूनियन नजर आ रहा है. मून कार्ड दिखा रहा है गाइस कि देखिए फुल मून के आसपास मुझे लगता है कि आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है. फुल मून के आसपास आप लोगों को गुड न्यूज मिलेगी आपके पर्सन से सुनने में, क्योंकि मून का कार्ड निकल कर आया है. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जो यूनियन है वो फुल मून तक हो सकता है. एंड विथ हाई प्रीस्टेस कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर शक्ति बैलेंस हुई है. ठीक है,
इसीलिए मुझे लगता है कि आपके अंदर, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर शक्ति जागृत हुई है। मतलब कहने का ये है कि आपने अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस किया, तो आपके अंदर की शक्ति जागृत, आपके पर्सन की शक्ति जागृत हुई है। उनके अंदर जो शक्ति थी फेमिनिन साइड, जो सोई पड़ी थी, जो चीजों को देखना नहीं चाहती थी, वो जागृत हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रहा है पावर कपल की एनर्जी है गाइस ये। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या होने वाला है नेक्स्ट। बहुत भर भर के अप्रिशिएशन मिलेगा गाइस, बहुत भर भर के अप्रिशिएशन। क्या बात है, आपको भी और आपके पर्सन को भी अप्रिशिएशन आ रहा है बहुत स्ट्रांग। वेट अ सेकेंड, ओके द वर्ल्ड। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मुझे लगता है आप करियर में इतना ग्रो करोगे गाइस कि बहुत जबरदस्त, तो आपको अप्रिशिएशन मिलने वाला है यहाँ लोगों से। मतलब दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, दुनिया आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाली है। मुझे लगता है कि स्ट्रांगली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो करियर में बहुत स्ट्रांग वर्क करने वाले हैं, कुछ सोशल वर्क हो सकता है या फिर कुछ और भी, लेकिन जो भी करेंगे दुनिया में आपका नाम होने वाला है, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है। गेट रेडी फॉर दिस, प्रिपेयर रहिए गाइस, जो भी आप काम कर रहे हैं। थिंकिंग वुमेन, और आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है। आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस हो रहा है बेसिकली इन डिसीजन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ, मतलब यहाँ पर दुनिया आपके स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है, आपके जज्बे को। यहाँ पर मुझे लगता है कि फिर से कपल की एनर्जी है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट, हैप्पी फैमिली, वाओ। अब इसके बाद क्या चाहिए जिंदगी के अंदर, जहाँ यूनिवर्स कह दे कि बेटा हैप्पी फैमिली, जाओ खुश रहो, उसके बाद क्या चाहिए जिंदगी के अंदर, है ना। उस पर्सन के साथ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन विथ हैप्पी फैमिली, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो कि आपकी लव लाइफ का क्या टर्निंग पॉइंट है, उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों कुछ काम करने के लिए यूनिवर्स के थ्रू भेजे गए हो धरती पे, ठीक है, मतलब यूनिवर्स के इशारे पर आए हो, उनकी मर्जी से आए हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आए हो। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आपके यूनियन को रोक दे, ठीक है, आपके यूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये यूनियन होना जरूरी है, ये यूनिवर्स की मर्जी है, ठीक है। और ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आप दोनों का कोई स्ट्रांग लाइफ पर्पस है, कोई स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, जो काम आपको करना है, जो कोई बड़ी जिम्मेदारी यूनिवर्स ने आपको दी हुई है, जो आपको निभानी ही निभानी है। तो ये मतलब ब्रह्मांड जो है वो आपका यूनियन तो करा के मानेगा, ये मुझे एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो स्पेशल कोई ना कोई टारगेट लेकर आते हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनका यूनियन तो होता ही होता है, वो अपना सोल पर्पस तो करते ही हैं। लेकिन कुछ लकी वंस होते हैं जिनकी हैप्पी फैमिली भी बनती है, ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग की हैप्पी फैमिली बनेगी, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लेके आए थे कि हम हैप्पी फैमिली के साथ ही रहेंगे, ठीक है। एंजल ऑफ लव, सो लव आ रहा है बेसिकली आपके लाइफ में, ठीक है। पास्ट में अगर आपका कोई डिसीजन गलत हो गया था, तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि वो डिसीजन ही है जो आपको गलत लग रहा था, वो आपका सही डिसीजन था, ठीक है, क्योंकि वो डिसीजन जरूरी था ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पर्सन को ब्लेम करते हैं या फिर खुद को ब्लेम करते हैं डिसीजंस के लिए, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि जो भी चीजें हो रही हैं वो हो विधाता की मर्जी से ही रही हैं, मतलब यूनिवर्स की मर्जी से हो रही हैं। और क्योंकि आपने ही यूनिवर्स से ऐसी प्रार्थना की थी कि वो आपको अपनी शरण में बुलाएं, मतलब आपको अध्यात्म में बुलाएं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी में बुलाएं, ठीक है, एज अ सोल जब आप उनके पास में थे तब आपने ही ऐसा उनके साथ विश किया था, ऐसे ही उनके सामने प्रार्थना की थी कि वो आपके रास्ते पर चलने का आपको मौका दे,
तो इस वजह से भी आपको स्पिरिचुअलिटी तक लेकर आने के लिए आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकालना जरूरी था, ताकि आप ईश्वर को याद करें। उसकी वजह से इस पर्सन का आपके दिल को तोड़ना भी जरूरी था, राइट? तो ये आप ही का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस तरीके से कि आप किसको चुन रहे हैं अपने अपने यू नो अपनी अवेकनिंग के लिए। तो आपने इस पर्सन को चुना था अपनी अवेकनिंग के लिए, हो सकता है इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को चुना हो अपनी अवेकनिंग के लिए, ठीक है? तो इसीलिए भी सेपरेशन आता है। तो आप इन सारी चीजों को सोल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर देखने की कोशिश करें, ना कि सरफेस लेवल पर, ठीक है? अगर आप इतनी मेच्योरिटी के साथ चीजों को देखेंगे तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान है। जिसको यूनिवर्स पर विश्वास है उसके लिए जिंदगी बहुत आसान है, और जिसको यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं है वही जिंदगी में थोड़ा दुखी, थोड़ा नहीं बहुत दुखी रहता है, ठीक है? क्योंकि आपकी सारी चीजें अलाइनमेंट में है। देखिए हैप्पी फैमिली लिखी हुई है यहाँ पे, मतलब ये कार्ड आया है तो बहुत सारे लोग अपनी मैरिज करेंगे इस पर्सन से। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज भी लिखवा कर आए हैं, ठीक है? सिर्फ इतना ही नहीं लिखवाया था कि साथ में काम करेंगे, ये भी लिखवाया था कि साथ में काम भी करेंगे और हैप्पी फैमिली के साथ करेंगे। तो यूनिवर्स ने जो सेपरेशन दिया था वो जैसे नीचे कार्ड था डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया था, ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद आप खुशी से रह पाओ उस पर्सन के साथ, राइट? बेसिकली आपकी हीलिंग हो जाए। सेवन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर से कपल आया है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया है। हेलो फ्रेंड, शादी होगी गाइस इस कनेक्शन की, ठीक है? आपका नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट है आपकी लव लाइफ का, उसमें मैरिज है, ठीक है? उसमें मैरिज है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स, एक तो कपल है यहाँ पर, एक और कोई अवेलेबल है यहाँ पर। एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों के बीच में। इसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस कनेक्शन की डिवाइन टाइमिंग है गाइस। इस कनेक्शन का यूनियन तो नहीं रोक रहा कोई, इस कनेक्शन का यूनियन होगा। अब मुझे एंजल्स ये बताएं कि ये इनका क्या होगा, ये जो भी थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में उसका क्या होगा? प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, इस कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी है उसका क्या होगा, जो इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है उसका क्या होगा? सिक्स ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ कप्स, ओके। जो भी थर्ड पार्टी है उससे आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है उससे आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे और इस कनेक्शन को सक्सेस देंगे, विक्ट्री देंगे। ये कनेक्शन को सक्सेस देंगे, विक्ट्री देंगे, जो भी थर्ड पार्टी है उससे मूव ऑन करेंगे गाइस, ठीक है? वो अगर उस इंसान का भी आपके पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जितने समय का सोल कॉन्ट्रैक्ट है उतने ही समय वो आपके पर्सन की लाइफ में रुकेगी या रुकेगा, ठीक है? बिकॉज इस कनेक्शन का डिवाइन टाइमिंग है, इस कनेक्शन का डिवाइन टाइमिंग है, ये पर्सन रिटर्न आएंगे आपकी तरफ, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन ने अपनी अवेकनिंग के लिए किसी तीसरे इंसान को चुना हुआ था, तो उसका आना आपके पर्सन की लाइफ में जरूरी था, ताकि वो आपके पर्सन को ट्रिगर करके अवेकन करे, जैसे कि उन्होंने आपको किया था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अवेकनिंग के बाद यहाँ पर हायरोफेंट कार्ड दिखाता है कि मैरिज है गाइस, यहाँ पर मैरिज भी है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी है यहाँ पर, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है कि आपको थोड़ी हिम्मत बनाने की जरूरत है, बिकॉज सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा यू नो स्टैंड लेने की भी जरूरत है अपनी चीजों के लिए, ठीक है? ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, बट डोंट वरी गाइस, जो भी है यहाँ पर, जो भी है थर्ड पार्टी है, वो रिलीज होगी इस कनेक्शन से, ठीक है? मैं देखना चाहूंगी कब तक रिलीज होगी, मेरे व्यूअर्स वरना कहेंगे कि मैम ने आधी रीडिंग कर दी, कब तक रिलीज हो जाएगी, कितना समय लगेगा? बेस चक्र, चार कार्ड्स लेने बस, स्टैंड योर ग्राउंड नंबर सेवन, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, थर्ड आई, यूनिवर्स, वेटिंग गेम, ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, मतलब जब तक आप लोगों के अंदर यूनिवर्स को ये नजर नहीं आता कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, तब तक वेटिंग गेम है, तब तक बेटिंग गेम है। मतलब यही है गाइस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी पावर में आइए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए, अपने आप को समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने चक्रास पर काम कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। यही है गाइस, इतना ही टारगेट है गाइस आप लोगों का।
उतने ही समय का ये वेटिंग गेम है, जिस वक्त आप अपना काम कर देंगे उस वक्त यूनिवर्स भी अपना काम कर देंगे, बिकॉज है यूनिवर्स यहाँ मौजूद, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स है मौजूद। अगर आप अपना काम करते हैं तो यूनिवर्स अपना काम कर देंगे इस कनेक्शन में, ठीक है, पार्टनरशिप करा देंगे वो आपकी। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, बस इतना ही आपका टारगेट है। इसके अलावा बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो लोग भी बहुत ज्यादा कनेक्शन को लेके परेशान रहते हैं, ठीक है, वो सारे लोग कनेक्शन पे ना फोकस करके खुद पर फोकस कर लें और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को और तेजी से बढ़ा दें, यानी कि अपने नर्व वर्क को तेज कर दें, ठीक है, अपने अपनी हीलिंग पर ज्यादा ध्यान दें, अपने चक्रास पर ध्यान दें और गाइडेंस को फॉलो करते रहें, जो भी गाइडेंस आप ले रहे हो, ठीक है, चाहे मेरी रीडिंग के थ्रू चाहे किसी और की रीडिंग के थ्रू, उस गाइडेंस को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें अगर आप वास्तव में यूनियन को चाहते हैं तो। नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन अगर चाहते हैं तो यूनिवर्स ने इस पे वेटिंग गेम लिखा हुआ है, मतलब वेटिंग गेम रखा हुआ है, ठीक है, आपसे उतना ही इंतजार करवाया जाएगा जब तब तक कि आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते। तो आपके में से बहुत सारे लोगों का जो इनर वर्क का जो स्टेज होगा वो अलग अलग होगा। आप में से काफी सारे लोग 99% पर पहुंच गए होंगे, जिनका एम्प्रेस और एम्परर कार्ड आया है, तो उनके पर्सन को भी यूनिवर्स ने रेडी कर दिया है। जैसा काम आपके ऊपर चल रहा होता है वैसे ही आपके पर्सन के ऊपर चल रहा होता है। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपके पर्सन भी बैलेंस्ड हैं, ठीक है, उनको यूनिवर्स बैलेंस करता जाएगा साथ में, ठीक है। तो जिस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर चल रहा है उसी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन पर भी चल रहा है, राइट। सो यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और सबका इनर वर्क का जो स्टेज है वो अलग अलग है। तो ये जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, इनमें से वो लोग जो बिल्कुल फुली बैलेंस्ड हैं और फुली अपनी पावर में हैं, उनका आप यूनियन देखेंगे 2023 में जल्दी ही, क्योंकि ये नेक्स्ट पर ही मैंने रीडिंग की है, अगला टर्निंग पॉइंट। तो आप में से बहुत सारे लोग का यूनियन होगा, और जो अभी भी फर्स्ट या सेकंड स्टेज पर है और सिर्फ वेटिंग एनर्जी में है, बहुत काम करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वेटिंग गेम आया है, ठीक है, महीने लग जाते हैं, चार चार छह छह आठ आठ महीने, राइट। तो काम करना स्टार्ट कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आए हैं, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं आपसे कि आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है मुझे यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन के लिए नजर आ रही है। मैंने जिस तरीके से मेमोरीज ऑफ लव पेशेंस रखी है, मेमोरीज ऑफ लव पेशेंस रखिए, ठीक है, ये होगा कनेक्शन होगा यहाँ पर, जो भी है समय के साथ रिलीज होगा, जो भी थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में समय के साथ रिलीज होगी। यहाँ पर आप चेंज हो रहे हो, वहां पर जो भी थर्ड पर्सन है आपके पर्सन के साथ, जहां भी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी हील हो रहे हैं, वो पर्सन उनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सारी चीजें अलाइनमेंट में है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, ये चीजें नजर आ रही हैं। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।